हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अक्षिणी किचन। मैं हूँ कविता। तो ये देखिए, ये है बेम्बो सूट। आज इसी से मैं आपको अचार बना के दिखाऊंगी। ये अचार अगर आप एक बार डाल के रख देंगे तो ये एक साल दो साल तक भी खा सकते हैं, ये ख़राब नहीं होता है। इस प्रोसेस से बनाइएगा। और इसके साथ मैं डालूंगी डाले खुरसानी, अगर आपके पास है तो डालिए, नहीं है तो ये ऑप्शनल है। आप यहाँ पर ग्रीन चिल्ली नॉर्मल जो होता है उसको भी डाल सकते हैं, नहीं है तो स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे पाउडर चिल्ली डालेंगे ही। ये देखिए, ये है बैम्बू सूट और इसका जो ये ऊपर वाला पार्ट होता है ये थोड़ा सॉफ्ट होता है, तो इसको अभी हम हटा देंगे। और जो हार्ड वाला नीचे वाला पार्ट होता है, थोड़ा हार्ड होता है, तो उसको ही अभी हम काटेंगे। तो काटने का सेप आपका अपना मर्जी से होगा, आपको जैसा पसंद है वैसा ही। मैं थोड़ा मोटा रखूँगी क्योंकि ये बैम्बू सूट थोड़ा ओवर कुक लगा मुझे, इसीलिए। नहीं तो नॉर्मली ये थोड़ा 80% कुक होता है, लेकिन पता नहीं अब ये उन लोगों को थोड़ा ज़्यादा बॉईल कर दिया होगा, तो ये थोड़ा सा ओवर कुक है, इसीलिए मैं इसको थोड़ा मोटा मोटा ही रखूँगी। तो इस तरह से सारा बैम्बू सूट को हम काट कर लेंगे। अपना शेप में काटिएगा आपको जो पसंद है वो। तो उसके बाद हम इसको मैरिनेट करके रख देंगे। ये जो बैम्बू सूट होता है ये ऑलरेडी बॉयल होता है, तो इसीलिए हमें कुक करने का कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसको ऐसे ही डाल सकते हैं। लेकिन कच्चा बैम्बू सूट से भी अचार बनता है, अभी मेरे पास नहीं है। अगर मिला मुझे कच्चा वाला तो मैं आपको उसका भी रेसिपी दूंगी। और बैम्बू सूट का सब्ज़ी भी बहुत ही अच्छा बनता है, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इसका भी रेसिपी दे दूंगी। ये देखिए, सारा बैम्बू सूट को काट दिया है मैंने, अब इसको मैं मैरिनेट करके रख दूँगी। तो इसके लिए यहाँ पर ले लिया है 1 चम्मच हल्दी और नमक। नमक थोड़ा ज़्यादा ही डाला है क्योंकि अभी इससे पानी निकलेगा, तो नमक मैंने थोड़ा ज़्यादा डाल दिया है। बाद में नहीं डालूंगी तो भी चलेगा, अगर आप अभी कम डालते हैं तो बाद में डालिएगा, लेकिन नमक डालना है क्योंकि इसी से पानी निकलता है। और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके हम रख देंगे। इसको मैरिनेट करके रात भर भी रखने से होगा, अगर टाइम नहीं है तो 1 से 2 घंटा तो कम से कम रखिएगा। तो इसको अभी ये हो गया है मैरिनेट, इसको मैं ढक के रख दूंगी। मैंने लगभग 2 से 3 घंटा रखा था, तो उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी प्रोसेस। तो इससे पहले मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको जो है एक बैम्बू सूट जो है उसको स्टोर करने का तरीका दिखा देती हूँ। तो ये जो सॉफ्ट पार्ट था उसको मैंने काट के रख दिया है इस तरह से। अब अगर आपको खट्टा वाला बैम्बू पसंद है तो आप इस बर्तन में ही रख दीजिएगा, बाहर ही रख दीजिएगा, इसको फ्रिज में रखने का कोई ज़रूरत नहीं। रूम टेम्परेचर पर रखिए, पानी ज़रूर डालना है। अगर आपको खट्टा वाला पसंद नहीं है तो आप एक कंटेनर में डाल के, इसको एयरटाइट कंटेनर में डाल के, उसमें भी पानी डाल के फ्रिज में रख दीजिएगा। 1 महीना तक कुछ ख़राब नहीं होगा। अगर आप बाहर रखेंगे तो 1 हफ्ता तक आराम से चल जाएगा। मुझे तो खट्टा वाला बैम्बू सूट उतना पसंद नहीं है, तो मैंने कंटेनर में डाल दिया है। अब यहाँ पर डालूँगी मैं पानी, 2 ग्लास पानी। इसको पूरा पानी से कवर कर देना है और इसका एक ढक्कन लगा के मैं फ्रिज में रख दूँगी। तो चलिए अब आगे का प्रोसेस करते हैं हम। ये देखिए, मैंने 3 घंटा रख दिया था इसको मैरिनेट करके, तो अभी पानी ये नहीं निकला है। इसको अभी हम निचोड़ेंगे बहुत अच्छी तरह से, बहुत ज़्यादा ताकत लगा के इसको निचोड़ना पड़ेगा। देखिए कितना पानी निकल रहा है, ये सारा पानी को निचोड़ के निकलना है। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो किसी थोड़ा बाहुबली को बुलाइए निचोड़ने के लिए, लेकिन जितना भी पानी है सारा को निकलना है, इस नहीं तो हमारा अचार जो है ख़राब हो जाएगा पानी रह गया तो। ये देखिए, बहुत ही ज़ोर से निचोड़ के निकाल लिया है मैंने, तो सारा जो निकाल लिया, देखिए पानी कितना जमा हो गया हमारा, ये सारा पानी निकला है बैम्बू सूट का। अगर नहीं निचोड़ते तो ये पानी जो है हमारा अचार में बैठ जाता और अचार खराब। अगर आपके यहाँ पे धूप अच्छा है तो इसको 2 से 3 घंटा धूप दिखा दीजिएगा, ना हो तो कोई बात नहीं, ऐसे भी अचार खराब नहीं होगा। तो चलिए बनाते हैं अब अचार। ये देखिए, ये 2 बड़ा चम्मच मस्टर्ड को भून लिया है और उसके बाद अच्छी तरह से इसका पीस के पाउडर बना लिया है। अब इसको डाल दूंगी मैं। इसी तरह से ये 1 बड़ा चम्मच जीरा पाउडर भी डाल दूंगी, उसको भी इसी तरह से भून के उसको पीस लिया है और पाउडर तैयार कर लिया है। और ये है रेड चिली फ्लेक्स, आपको जितना तीखा पसंद है उस हिसाब से डालिएगा। अगर चिली फ्लेक्स नहीं है तो आप ड्राई चिल्ली को पीस के भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे अचार में बहुत ज़्यादा मसाला नहीं डालूंगी, बहुत ही सिंपल सा अचार का रेसिपी है। और ये है डाले खुरसानी, ये तो टोटली ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो मत डालिएगा। ये हमारे यहाँ मिलता है और ट्रेडिशनली हम ये बहुत डालते भी हैं, अच्छा भी लगता है खाने में, सो मैंने डाल दिया है। और ये है मस्टर्ड ऑयल, 2 बड़ा चम्मच डालूंगी मैं, बहुत ज़्यादा तेल नहीं डालूंगी क्योंकि तेल मसाला ज़्यादा डालने से टेस्टी बनता है, ये बहुत बड़ा गलतफहमी है। तेल उतना ही डालिए जितना ज़रूरत है, तो हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है।
तो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम डाल देंगे इसको एक जार में। अचार डालते समय जार जो है आपका होना चाहिए ग्लास का। अगर प्लास्टिक का जार में डालेंगे तो आपका अचार बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, और जब हम अचार को धूप दिखाते हैं तो उस प्लास्टिक का एक स्मेल रह जाता है, तो इसीलिए ग्लास का जार ही लीजिएगा। ये देखिए मैंने, ये मेरा जैम का जार है, और इसको मैंने अच्छी तरह से ऑयल से फिर से एक बार ग्रीस कर लिया है थोड़ा सा तेल डाल के। अब इसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे अचार जो हमने तैयार किया था। तो सबसे पहले उसके लिए एक प्लेट ले लेंगे क्योंकि ये नीचे गिरेगा डालते समय, और अच्छी तरह से हम इसको डालेंगे। ये देखिए अब हल्का हल्का जो डले खुरसानी उसको भी मिक्स करते हुए और बैम्बू शूट को भी मिक्स करते हुए डालेंगे। देखिए गिर गया है ना, मैंने बोला था ना आपको इस तरह से गिर जाता है, तो एक प्लेट जरूर रखिएगा साइड में नीचे, उसके बाद में डालिएगा। अब डालते समय इसको क्या करिए कि आप हाफ डालिए इसको, उसके बाद में इस तरह से चम्मच से अच्छी तरह से दबा दीजिएगा। अगर अचार डालते समय आप जितना दबा के डालेंगे अचार आपका उतना ही अच्छा बनता है। खुला खुला अचार बन डालेंगे ना तो उसमें जो एक वाइट वाइट कलर का जो होता है वो बहुत ज़्यादा फंगस होता है ना, बहुत जल्दी लग जाता है। सो इसको दबा के अचार डालना बहुत ज़रूरी है, और खाते समय भी उसको निकालते समय भी जस्ट ऊपर का जितना चाहिए उतना ही निकालिएगा। सारा अगर आप फैला देंगे तो आपका अचार जो ख़राब हो जाता है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आपका अचार कभी ख़राब नहीं होता है, इस तरह से आप एक बार ट्राई करके देखिए। ये देखिए मैंने एक जार को भर लिया है, उसी तरह से दूसरी जार को भी भर लिया है। इस तरह से एकदम अच्छी तरह से मैं दबा दबा के डाल दूँगी। और ये देखिए हमारा बैम्बू सूट और डली खुरसानी का अचार बिल्कुल बनके तैयार है। अब इसको खाना है तो आप नेक्स्ट डे से भी खा सकते हैं, लेकिन अगर रखना चाहते हैं तो आप 2 साल तक भी रख सकते हैं। इसको कोई ख़राब नहीं होगा, एक भी आपका पीस बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। बस आप बीच बीच में इसको धूप दिखाते रहिए, तो इसी तरह से आप भी बनाइएगा। कैसे बनता है कमेंट भी ज़रूर करना। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब भी कर देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।